जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। जी हाँ, कम नंबर वालों को भी फ़ायदा। अब यहाँ पर अगर आपके भी कम नंबर हैं तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका जो डाउट है, जो आपके कम नंबर आ रहे हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा कि हमारा कम नंबर पर भी सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपका कम नंबर पर भी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा चांस आपके बन रहे हैं। दोस्तों, ये तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कम नंबर पर भी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके बहुत ही कम नंबर हैं जिससे कि आपके चांस ही नहीं बनते हैं और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि मायूस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती आने वाली है अगस्त महीने में। जी हाँ, अगस्त 2024 में एसएससी जीडी की एक और नई भर्ती आने वाली है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो है चक्षु प्रकाशन की। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टेबल जीडी के लिए, जी हाँ, ये स्टडी गाइड आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें आपको 500 पेपर 100% गारंटी के साथ इसमें मिल रहे हैं और 2800+ बहुविकल्प प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट आप लोगों के लिए रहने वाली है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड यहाँ पर करा दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दो बुकों का कॉम्बो आप देख पा रहे हैं, यही चक्षु पब्लिकेशन की दो बुकों का कॉम्बो है। इनका कॉम्बो पैक भी आता है, तो इन कॉम्बो बुक को भी आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट है और एक स्टडी गाइड है। दोनों का जो ऑनलाइन परचेज़ करने का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या ऑफलाइन मार्केट से भी इन बुकों को परचेज़ कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा यहाँ पर आप लोगों के लिए, अगर आपके 50 क्वेश्चन भी ठीक हैं तो आपका फिर भी चांस है। देखो दोस्तों, 50 क्वेश्चन का डबल आप करेंगे तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन का अगर आप डबल करते हैं तो आपके जो है दोस्तों 100 नंबर यहाँ पर बैठते हैं। अगर आप यूपी से हैं तब भी आपका सिलेक्शन के चांस क्यों ज़्यादा बन जाते हैं वो आप सभी को मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अभी आपका रो स्कोर इतना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रैंक आई को रैंक मित्र के अनुसार आप सभी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर इस लड़के के 42 नंबर है और इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आप देखेंगे तो 73 हो गया है, यानी कि इस भाई को जो है 31 नंबर का नॉर्मलाइजेशन सीधा सीधा मिल रहा है। तो अगर आपके 100 नंबर भी बन रहे हैं रो स्कोर, इसमें अगर आप 31 नंबर भी जोड़ेंगे तो आपका 131 नंबर यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर, और 131 नंबर पर दोस्तों चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं किसी भी स्टेट में नौकरी लेने के। लेकिन अगर आप बोलेंगे भैया ये तो यहाँ पर जो है 31 नंबर का नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा, तो जी हाँ, देखो कुछ भी हो सकता है, मैं फिक्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ भाई, जब आप सभी को पता है एसएससी ने अपनी साइड चेंज कर दी, एसएससी ने दोस्तों यहाँ पर अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, एसएससी ने दोस्तों यहाँ पर पहले 1.5 घंटे का पेपर होता था उसको 1 घंटे का बना दिया, तो हो कुछ भी सकता है। अगर आप ये बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता है तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई। एसएससी है ये कब पल पल पर अपना डिसीजन चेंज कर दिया आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो मैं अगर ये बोलूँगा कि चलो 31 का नहीं होगा तो 25 का भी हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर एक ऐसे स्टूडेंट का होगा जो काफ़ी ज़्यादा लकी स्टूडेंट है। वरना दोस्तों, ज़्यादातर जो नॉर्मलाइजेशन होते हैं वो 5 से लेकर दोस्तों 15-20 नंबर के आसपास ही होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर एवरेज देखा गया है। लेकिन ये जो किसी एक पर्सन एक ऐसे स्टूडेंट का होगा जो काफ़ी ज़्यादा लकी होगा, उसके लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको बता दूं कि अभी भी और ज़्यादा नंबर आपके बढ़ने की आशंका है वो क्या है, उसका भी मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अभी आपकी केवल आंसर की आई है, अभी आपकी रिजल्ट आने के तुरंत बाद फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। 5 से 7 दिन जैसे रिजल्ट आएगा उसके 5 से 7 दिन बाद आपकी फाइनल आंसर की भी आती है, तो उसमें भी आपके दोस्तों जो नंबर हैं यहाँ पर, जैसे एक दो क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है, जैसे 2 क्वेश्चन भी आपकी शिफ्ट में गलत है, तो उसके 4 नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी देखा गया है, अगर आपके 4 नंबर गलत हैं तो आधा नंबर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग अभी इसमें मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 नंबर वो वहाँ से हो गया, तो 5 नंबर सीधे सीधे आपके हो गए, ठीक है। तो इस बात से भी दोस्तों फ़र्क पड़ता है, अगर आपके 2-3 क्वेश्चन भी अगर वहाँ पर समझ लीजिए 4 क्वेश्चन भी गलत हो गए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम सभी में गलत निकल ही आते हैं आपके, क्योंकि भाई 80 क्वेश्चन है, 80 में से 1-2 क्वेश्चन तो गलत निकल ही आता है। तो फाइनल आंसर के में भी आपके नंबर बढ़ेंगे, इस बात की आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके दोस्तों कम से कम मैं बता दूँ कि 20 से 25 नंबर आप सभी को फ्री के भी मिल सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके भी नंबर कट ऑफ से दोस्तों 20 नंबर या 25 नंबर तक भी कम है
जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर बन रही है फिजिकल की पुरानी वाली कट ऑफ से मैं कंपेयर करूँ तो, तब भी आप फिजिकल की तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब इतने नंबर तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन वो हर किसी के नहीं बढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि एक एवरेज जो कट ऑफ रहता है, मतलब नंबर जो बढ़ने का रहता है, वो 5 से 15 के बीच में रहता है, ठीक है। ये 20 से ऊपर जो जाता है ना स्टूडेंट, वो कोई लकी स्टूडेंट ही होता है, और वो ऐसे स्टूडेंट की संख्या दोस्तों ज़्यादा 1-2% के आसपास होती है। यानी ओवरऑल बात कर लें तो कम से कम यहाँ पर 1-2 हज़ार बच्चों के ही नंबर 20 से ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पता आप में से ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिनके नंबर इतने बढ़ जाएँ, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी रही बात दोस्तों कट ऑफ को लेकर, आप सभी जो है बिल्कुल परेशान नहीं हुई है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा, लगता ही ऐसा है कि भाई साहब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आ ही जाएगा। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हाल देख लीजिएगा, भाई साहब 0.1 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ा था। अगर आपका फिजिकल कट ऑफ कम लग गया ना, तो ये समझना कि आप सभी की हो कुछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं फिजिकल का, ठीक है। अगर चुनाव का माहौल चल रहा है, अचानक से आपको अगर आपको फिजिकल करवा दी जाए तो आधे से ज़्यादा बच्चे बीमार हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बस ये हमारा वीडियो था आज के इस वीडियो में, इतना ही। और बात रही रिजल्ट की, तो जी हाँ रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रिजल्ट आप सभी का जो है तैयार हो रहा है, मतलब क्योंकि भाई ये दिल्ली पुलिस का रिजल्ट तो है नहीं कि ऑल इंडिया कट ऑफ लगा दो तो 2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा, नहीं, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। मेरे अकॉर्डिंग आप सभी का जो रिजल्ट है अप्रैल पे तो नहीं, लेकिन हाँ मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और आराम से अपनी तैयारी फिजिकल की तैयारी को फोकस करते रहें, क्योंकि फिजिकल की तैयारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख भरी खबर भी हो सकती है, आपका फिजिकल में पत्ता भी साफ हो सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल बताता हूँ। इसलिए फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि फिजिकल आपका गर्मी में होगा और गर्मियों में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तो इस बार लिए फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करें। जिनके नंबर कम है वो भी, जिनके नंबर ज़्यादा है वो भी, कौन सी पोस्ट मिलेगी क्या मिलेगी वो सब छोड़कर फिजिकल पर फोकस करिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो और आप भी एक बार गवर्नमेंट जॉब की इस फील्ड में आएँ और अपने आप को प्राउड फील करें और अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील कराएँ। मेरी शुभकामनाएं यही है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए जो इस वीडियो को देख रहा है, और जो मेहनत नहीं करेगा भाई उसका तो होगा नहीं। कह तो हम देते हैं, लेकिन मेहनत भी आपको ज़रूर करनी है, बिना मेहनत कुछ नहीं है, क्योंकि आप फौजी बनने जा रहे हैं और फौजी का काम स्टार्टिंग से लास्ट तक मेहनत का ही रहता है। तो अगर आप फौजी बनने जा रहे हो तो अभी से आपको फौजी वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना आपको बहुत दिक्कत वहाँ पर आने वाली है। तो इस बात को छोड़ दीजिए, बिस्तर और ये जो आपने बहुत ज़्यादा मजे ले लिए बिस्तर पर सोते रहना, साथ 8-8, 10-10 बजे तक लेटे रहना, ये अब नहीं चलने वाला है। अब आपको जो है यहाँ पर एक सेफ़ जोन से निकलकर एक हार्ड जोन में जाना है, तो इसलिए आपको अपने शरीर को भी उसी तरह बदलना पड़ेगा जिस तरीके से फौजी लोग रहते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो इस बात को समझकर अब आप सेफ जोन से बाहर निकलिए, एक हार्ड जोन में आइए और अपने शरीर को तोड़ना शुरू कर दीजिए, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ये चलता है फौज में। थैंक यू आप लोगों के लिए, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और शुभकामनाएं।